हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने कर रहे थे क्लास 9th के लिए लेसन नंबर 10 चल रहा था अपना गुरुत्वाकर्षण। तो अपनों ने पहले पढ़ लिया था कि गुरुत्व या जो नेतांक है या स्थिरांक है वो क्या होता है, गुरुत्व त्वरण के बारे में पढ़ लिया था। आज अपने करेंगे गुरुत्व त्वरण जी के मान का, अपने क्या करेंगे, परिकलन करेंगे किसका मान जो है अपने पास कितना प्राप्त होगा। देखो गुरुत्व त्वरण इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, के मान का परिकलन करने के लिए हमें जो एक समीकरण दी हुई है, देखो यहाँ नीचे दी हुई है समीकरण, ये देखो ये रही, ये जो समीकरण दी हुई है अपने को, इससे पहले अपने फाइंड कर चुके हैं कि ये अपने को किस प्रकार से मिलेगी, तो इससे अपने समीकरण के अंदर मान रखेंगे। तो मान देखो किस तरह से रखे जाएंगे, देखो जो अपना गुरुत्व नीतांक होता है कैपिटल जी, इसका मान अपने फिक्स है, पहले पढ़ लिया 6.7 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान एम अभी अपना फिक्स होता है 6 × 10^24 किलोग्राम, और पृथ्वी की जो अपनी त्रिज्या है रेडियस आर से डिनोट करते हैं, ये भी अपनी फिक्स होती है 6.4 × 10^6 मीटर, ठीक है, ये अपनी इतना फिक्स होता है सारे का सारा। जब अपने कि पूरे का पूरा मान किस में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, रखो देखो जी का मान रख दिया, ये रहा जी का मान हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया कैपिटल एम हो गया, ये अपनी त्रिज्या आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास मान प्राप्त होगा गुरुत्व त्वरण का 9.8 m/s² मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका, त्वरण का मात्रक होता है, तो इसलिए अपने गुरुत्व त्वरण के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। इतना ज़्यादा वैसे डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली अपने गुरुत्व त्वरण जी का मान याद रख सकते हैं 9.8 m/s² या इसको अपने 10 के आसपास है तो अपने इसका मान 10 भी रख सकते हैं कुछ कंडीशंस में। तो देखो इन्होंने मान बता दिया कि इतना मान आ रहा है। चलो ये तो हो गया कि अपने मान याद कर रहे थे, अब अपने क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति देख रहे हैं। देखो अपने जी के मान का जो अपनों ने परिकलन कर लिया कितना आ रहा था, देखो 9.8 m/s². इसके बाद अपने करेंगे पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। देखो गुरुत्व बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति किस प्रकार की हो जाती है ये सब अपने देखेंगे। ये समझने के लिए क्या करेंगे कि सभी वस्तुएं क्या होती हैं, खोखली, ठोस, बड़ी, छोटी या किसी भी ऊंचाई से समान दर से गिरती हैं। देखो चाहे कोई भी वस्तु है, चाहे इतनी बड़ी है, चाहे छोटी सी है, चाहे उससे छोटी है, अगर ऊपर से गिराओगे तो नीचे की ओर ही गिरेंगी, ये नहीं कि ऊपर चली जाएंगी या इधर साइड में कहीं चली जाएंगी, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्रियाकलाप दे रखा है, आगे देखते हैं अपने। हम जानते हैं कि देखो मुक्त पतन में वस्तुएं, मुक्त पतन क्या होता है, मतलब जब वस्तुएं स्वतंत्र रूप से गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं कि मुक्त पतन में ये वस्तु है, ये वस्तु त्वरण का क्या करती है, अनुभव करती है। देखो जैसे ही ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है नीचे की ओर, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वेग नीचे की ओर आएगी, बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन हो रहा, तो मतलब क्या हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया। तो ये त्वरण किसके कारण, वस्तु के द्वारा, ये जो त्वरण अनुभव किया जा रहा है ये इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका अर्थ हुआ कि सभी वस्तुएं खोखली, ठोस, बड़ी, छोटी एक ही दर से नीचे गिरती हैं। देखो अगर कोई वस्तु छोटी है, बड़ी है या खोखली है या भारी है, ठीक है, तो वो एक ही जो वेग से है नीचे की ओर गाएंगी, ये नहीं है कि अगर हल्की जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगी, ये एक समान वेग से ही, मतलब एक ही दर से नीचे गिरेंगी। देखो इस कहानी के अनुसार अपनों ने ये जो पढ़ा, ठीक है, तो इस कहानी के अनुसार क्या किया, इस विचार की पुष्टि के लिए गैलीलियो नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार से बहुत सी वस्तुओं को गिराया। मतलब इटली एक किसी जगह का नाम दे दिया, वहाँ पे क्या है, एक मीनार है, ठीक है, वहाँ से क्या किया इन्होंने, बिल्कुल जो है झुकी हुई एक मीनार है वहाँ से वस्तुओं को गिराना, मतलब ये मान लो मीनार है अपनी, यहाँ से इन्होंने वस्तुओं को गिराना शुरू किया इस तरह से नीचे, तो इन्होंने क्या पाया कि पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर रहता है। जी का मान क्या होता है, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण पृथ्वी के पास बिल्कुल इसका मान स्थिर रहता है। अतः एक समान त्वरित गति के लिए सभी के समीकरण में त्वरण एक स्थान पर अपने क्या करेंगे, जी का यूज़ करेंगे। तो सभी जगह है वहाँ पे पृथ्वी के पास जो जी का मान है गुरुत्व त्वरण स्थिर रहता है, तो अपने क्या कह सकते हैं, त्वरण एक स्थान पे क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। देखो गति की तीन समीकरणें होती हैं, अपने पढ़ चुके हैं, पहली क्या होती है, v = u + at, तो यहाँ पे जो a है इसको अपने किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, स्मॉल जी से, स्मॉल जी क्या होता है यहाँ पे, गुरुत्व त्वरण। उसके बाद दूसरी है s = ut + 1/2 at², फिर तीसरी समीकरण आती है अपने पास v = v² u² + 2as। ये जो तीन अपने पास गति की समीकरणें हैं, इन तीनों समीकरणों के अंदर देखो क्या है, u और v क्या है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, अपने पीछे पढ़ चुके हैं, और s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी,
ठीक है, एस क्या है अपनी दूरी से लेते हैं। इन समीकरण ये जो है इनका प्रयोग करते समय यदि त्वरण ए वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो इसको अपने क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और त्वरण ए को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। देखो अपने नीचे से कोई मान लो ये गेंद आया कोई वस्तु, इसको ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, ऊपर की ओर जैसे ही अपने इसको फेंकते हैं तो क्या होगा, ऊपर की ओर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ऊपर ऊपर जाके बिल्कुल धीरे हो जाएगी, मतलब इसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये वापस क्या हो जाएगी, नीचे की ओर आने लग जाएगी। मतलब ऊपर की ओर जितनी भी वस्तुएं जा रही हैं वो अपने सभी क्या लेते हैं, उनकी गति अपने उसकी गति लेते हैं देखो ऋणात्मक, क्योंकि इसमें वेग क्या होता है, बिल्कुल कम होता जाता है, ठीक है। और अगर ऐसे ही अपने कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो नीचे की ओर आते आते बिल्कुल एंडिंग पॉइंट एक ऐसा होगा जहाँ पे उसका जो वेग है वो सबसे ज़्यादा अधिक होगा, मतलब नीचे जो भी वस्तु होंगी उनको अपने पॉजिटिव और ऊपर जितनी भी वस्तुएं होंगी उनको अपने नेगेटिव ऋणात्मक लेते हैं। देखो ये आगे डायरेक्ट इसका है, अब आगे पढ़ते हैं अपने, ये सारे है जो हैं अपने फॉर्मूला आपसे हो जाएंगे जो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला दिया। अब बात करते हैं अपने द्रव्यमान की, द्रव्यमान देखो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। जड़त्व की माप कैसे, देखो मतलब यहाँ पे कोई अपने पास वस्तु है, ठीक है, इतनी बड़ी है, और एक कोई छोटी वस्तु है, मतलब ये वाली वस्तु मान लो अपने पास 20 kg की है, 20 kg की, और ये सारी 10 kg की है। तो अगर अपने उससे पूछा जाए कि 20 kg वाली और 10 kg वाली, 20 किलो की है एक 10 किलो की है, इन दोनों को हटाने में या इनको अगर अपन मतलब पैर मार रहे हो तो कौन है जो पहले खिसक जाएगी, तो सिंपल सी बात है 10 kg वाली पहले खिसक जाएगी, मतलब जिसका द्रव्यमान क्या है ज़्यादा है उसमें क्या होगा जड़त्व अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उसका जड़त्व भी क्या होगा कम होगा। तो द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। देखो जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही उसका अधिक जड़त्व भी होगा, जैसे अपनों ने अभी किया, और किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है चाहे वह वस्तु पृथ्वी पर हो, चंद्रमा पर हो, या फिर बाहर है अंतरिक्ष में हो। ये कहने का मतलब क्या है कि अपने मान लो यहाँ पे 2 kg का कुछ अपने पास पिंड है, ये अपने पृथ्वी पर इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है 2 kg है, अगर इसको अपने चंद्रमा पर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, चंद्रमा पर ले जाएंगे या कहीं और अंतरिक्ष में ले जाएंगे, इसका वेट 2 kg ही रहेगा, इसका वेट चेंज नहीं होगा। देखो इसने कहा है इस प्रकार जो वस्तु का द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है बिल्कुल, कहीं भी ले जाओ वो चेंज नहीं होता तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। ये तो था द्रव्यमान, किस पे डिपेंड हो रहा है, जड़त्व पे, जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे के परिपूरक हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे भार की। देखो भार, हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल से आकर्षित करती है, आपने जो पिछली वीडियो उनमें देखा है कि चाहे कोई भी पिंड है हमेशा जो पृथ्वी है उन सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए सभी चीज़ें क्या है वस्तु पृथ्वी पर टिकी हुई हैं, और यह बल वस्तु के द्रव्यमान एम तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल जी के त्वरण पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान एम पे, मतलब जितना ज़्यादा एम होगा, ठीक है, जितना बड़ा एम होगा, चलो ये छोड़ो ये इधर देखो एफ इज इक्वल टू एम ही है, तो यहाँ पे m है, अगर m ज़्यादा होगा तो भी बल पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, m कम होगा तो भी बल पे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो मतलब ये किस पे निर्भर कर रहा है, इसके त्वरण पे निर्भर कर रहा है। तो अपने क्या ले रहे हैं, देखो ये समीकरण f इज इक्वल टू m है, तो m यहाँ पे क्या है द्रव्यमान, और a अपने क्या ले रहे हैं त्वरण, तो त्वरण और जो द्रव्यमान है इन दोनों पे क्या किस पे निर्भर होते हैं, ये भार पे, ठीक है। अब देखो भार अगर चेंज होगा तो ये भी चेंज होंगे, अब यहाँ पे ए है तो ए की जगह पे अपनों ने क्या लिखा था कि अपने क्या लेंगे गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, और गुरुत्वीय त्वरण को अपने किससे लिखते हैं स्मॉल जी से। अब देखो वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु के भार कहलाता है, मतलब जितने भी आकर्षण जो भी आकर्षण बल पृथ्वी की ओर लग रहा है, ठीक है, वस्तु का, तो वो उसका क्या कहलाएगा भार कहलाएगा। अब देखो इससे किससे निर्दिष्ट करते हैं डब्ल्यू से लिखते हैं इसे। अब देखो उन्होंने इसका मान एक समीकरण में लिखा है तो W इज इक्वल टू एम जी, तो अपने W इसको कहाँ ले रहे हैं, W अपनों ने ले लिया कि किसके बराबर होता है बल के बराबर होता है, तो F की जगह W लिख लिया, W इज इक्वल टू एम इंटू जी, क्योंकि वस्तु का भार एक क्या है बल है, ठीक है, जिससे अपने क्या कर सकते हैं ये जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। तो अपने यहाँ पे क्या ले लेते हैं, देखो अपने W को किसके बराबर पाना है बल के बराबर, मतलब अपना जो वस्तु का भार है वो किसके बराबर है आकर्षण बल F के मतलब बराबर लमसम अपने ले लेते हैं, तो इसलिए F की जगह अपने ने कहा क्या लिख दिया W बराबर, बाकी की पूरी समीकरण बिल्कुल बराबर है सेम है, W बराबर क्या हो गया mg, देखो क्योंकि वस्तु बाहर का एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर क्या होता है आकर्षित होता है।
अब देखो भार का ऐसा ही मात्रक वही है जो बल का होता है। बल का क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो वही अपने क्या होगा, भार का मात्रक होगा। देखो भार का मात्रक जब भी आता है तो अपने क्या करते हैं, केजी, ग्राम या ऐसा कुछ भी मात्रक अपने पास होता है तो अपने उस पर टिक करते हैं। तो ये नहीं होता, बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होता है क्योंकि इसको अपने भार के इक्वल लिया जाता है। तो आगे देखो, भार एक बल है, भार क्या है, एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसे परिणाम तथा दिशा दोनों होते। देखो कुछ भी ऊपर से अपने यहाँ से कुछ भी नीचे फेंक रहे हैं, यूँ नीचे की ओर आ रहा है, तो इसकी देखो परिमाण और ये दिशा, मतलब इधर ही वेग लग रहा है, इधर ही अपनी दिशा है, इधर ही बिल्कुल नीचे की ओर ये आ रहा है, तो अपने ये क्या कह देंगे कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो देखो आगे इन्होंने क्या कहा है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखते हैं, हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान स्थिर रहता है। जी क्या होता है अपने पास, यहाँ पे जी अपने लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण, मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान एम के समानुपाती होता है। भार किसके समानुपाती होता है, एम के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे द्रव्यमान मतलब भार बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु का भार भी बढ़ेगा, और अगर द्रव्यमान कम होता है तो वस्तु के भार में भी कमी आ जाती है। तो यही कारण है कि किसी दिए हुए स्थान पर हम वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान के माप के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अपने ये कह देते हैं ना कि वस्तु का जो द्रव्यमान है मतलब भार के बिल्कुल इक्वल ही होता है, इक्वल नहीं होता लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो इसलिए अपने इनको क्या करते हैं, इसकी माप के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी हो चाहे अन्य ग्रह उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है क्योंकि जी का मान स्थान पर निर्भर नहीं करता। देखो अपने पास कोई भी द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसे चाहे अपने पृथ्वी पर रखें, चाहे चंद्रमा पर रखें, चाहे कहीं भी लेके जाएं, उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर होगा, मतलब स्थान चेंज होगा तो वस्तु का भार कम ज़्यादा हो सकता है। इतना क्लियर हो गया कि द्रव्यमान क्या होता है। अब अपने बात करते हैं कि यदि किसी वस्तु को अपने चंद्रमा पे लेके जाएं तो उस पर उसके भार पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो किसी वस्तु पर चंद्रमा का, चंद्रमा पर भार किसी भी वस्तु का, देखो हमने सीखा है कि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का वह भार जो है वो उसका क्या कहलाता है, बल कहलाता है, मतलब जितना ज़्यादा उसका भार होगा वो उतने ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका बल कहलाएगा, ठीक है, जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अपने को पहले अपनों ने किया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है तभी वो सभी एक जगह पर टिकी हुई हैं, तो इसी प्रकार चंद्रमा पर वस्तु किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करेगा। जिस प्रकार से पृथ्वी आकर्षित करती है सभी वस्तुओं को, उस प्रकार से चंद्रमा भी आकर्षित करता है, बस इसका आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। देखो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है, पृथ्वी क्या है, बड़ी है, चंद्रमा छोटा है, तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा, तो इसी कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। देखो द्रव्यमान से फर्क पड़ गया, कम द्रव्यमान है तो आकर्षण बल भी क्या लग रहा है, यहाँ पे कम लग रहा है, अगर ज़्यादा द्रव्यमान होता तो आकर्षण बल भी क्या लगता, अधिक लगता। अब आगे देखो, मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, क्या मान लिया, द्रव्यमान m मान लिया, तथा चंद्रमा पर इसका भार कितना है, डब्ल्यू एम। मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान कितना मान लिया अपनों ने, कैपिटल m, m मान लिया, तथा इसकी त्रिज्या क्या है, आर एम। एम यहाँ पे मून से ले रहे हैं, चंद्रमा तो एम लगा रहे हैं इसके साथ साथ अपने। तो अब देखो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर लगने वाला चंद्रमा पर वस्तु का भार अपने को जो है पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले में बस अपनों ने क्या है, इन मानों को रख दिया, डब्ल्यू एम बराबर जी एम एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर एम के स्क्वायर। आर एम यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसकी त्रिज्या होगी। देखो यहाँ पे आगे बताया भी है सब कुछ, मान लीजिए उसी वस्तु पर पृथ्वी का भार क्या है, डब्ल्यू ई है, तथा पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, एम है, और इसकी त्रिज्या आर है। ये अपनों ने ऊपर जो ये समीकरण की है ये चंद्रमा के लिए की है, और नीचे अपनों ने त्रिज्या इसके लिए पृथ्वी के लिए देख रखा है कि क्या कुछ है। अब ये देखो यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, ये पूरी की पूरी, ये सारणी याद करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें क्या दिया है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का द्रव्यमान त्रिज्या वगैरह ये सब दे रखा है। अब आगे देखते हैं, इन्होंने देखो इन्होंने एक समीकरण दे दी थी अपने को, क्या किया था, समीकरण 10.9 और 10.15 से हमें प्राप्त होता है, डब्ल्यू ई बराबर जी एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपनों ने पीछे किया था, अभी करके आए हैं जस्ट, कि अपने चंद्रमा के लिए किया था, ये अपने किसके लिए कर रहे हैं, पृथ्वी के लिए। ई मतलब क्या है, यहाँ पे अर्थ। तो यहाँ पे अपने को मान पता है कि कैपिटल जो एम है, देखो अभी यहाँ सारणी जो अपनों ने की थी ये रही, इससे अपनों ने ये पूरे के पूरे मान रखे हैं, कैपिटल एम चंद्रमा का दे रखा है, द्रव्यमान त्रिज्या दे रखी है, यहाँ से मान रखते हैं।
देखो मून का क्या आ गया, 7.36 × 10^22। इसका स्मॉल अपनों ने ऐसे ही लिखा है, अब नीचे अपनों ने इसके त्रिज्या डाल ली। इसको जैसे अपने सॉल्व करेंगे तो अपने पास डब्ल्यू एम का मान आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपके पास डब्ल्यू एम का मान, डब्ल्यू एम का मान आ गया, और उसके बाद अपने पास डब्ल्यू ई का, मतलब चंद्रमा पर और अर्थ दोनों पे अपना इसका मान प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, आप अपने आपस में भाग दे देंगे। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है इसका, सिर्फ अपने को एक सिंपल चीज़ है जो अपने आगे पढ़ेंगे, इतने में देख लो एक बार। इन दोनों को जैसे अपने भाग देंगे तो अपने पास 0.165 या फिर कितने के इक्वल आएगा, 1/6 के इक्वल आएगा। देखो ये पूरा अपनों ने इतना बड़ा डेरिवेशन किया, इसको करने का सिर्फ एक छोटा सा मतलब था। देखो क्या ये चीज़ आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि वस्तु का चंद्रमा पर भार किसके बराबर होता है, 1/6 × इसका पृथ्वी पर भार। मतलब चंद्रमा पर कोई वस्तु है वो उसका 1/6 पार्ट होगी। देखो कैसे, मान लो अपने कि चंद्रमा पे पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है अपने पास 36 किलोग्राम की है, ठीक है। अगर वही ये किस पे है, अर्थ पे है अपने पास 36 किलोग्राम, किस पे है, अर्थ पे। तो अर्थ पे अपने 36 ले लिया, ठीक है, उसके बाद 36 kg का। अगर अपने को मून पे देखना है तो मून इसका क्या है, 1/6 पार्ट है, काट 1/6 इसके पार्ट लगा दो, काटो 6 × 36, तो वहाँ पे उसका वेट क्या हो जाएगा, ओनली 6 किलोग्राम हो जाएगा। इतना फर्क बताया गया है कि चंद्रमा पर और पृथ्वी पर वस्तु के भार में या उसका जो भी है उसमें भार में क्या फर्क आएगा, तो वही दिखाया कि ये चंद्रमा पे इसका जो पृथ्वी की वस्तु का कोई भी भार है वो उसका 1/6 होता है, ठीक है। सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रख लेना। ये तो अपना आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।